हेलो, वेलकम टू डॉक्टर टूडल्स किचन। टूडल्स किचन में आज क्या पक रहा है? आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी, ऑसम, टेस्टी, लिप स्मैकिंग एक एड ऑन रेसिपी, एड ऑन टू द फूड दैट यू ईट। वो है हमारा इस सर्दी के मौसम में अचार, गोभी, शलगम और गाजर का, साथ में चुस्कियां ले रहे हैं हम चाय की। वाह, और ये रेसिपी मेरी मॉम की है, बहुत ही उनकी एक स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनाती थी। हम लोग तो इसको सब्जी की तरह ही खा जाते थे, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें, इसको सब्जी की तरह ही खाएं। और जो मेरी मॉम की बहुत ही अच्छी अच्छी और रेसिपीज भी बनाती हैं, जैसे कि आंवले का अचार, नींबू का अचार, वो सब मैंने उनसे सीखा है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। ये मैंने गोभी ली है, शलगम, शलगम और गाजर, ये मैंने टोटल अमाउंट लिया है 1.5 किलो। तो आप, मैंने इसमें गोभी ज़्यादा ली क्योंकि हमारे घर में सब लोग गोभी को ढूंढ ढूंढ के खाना पसंद करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपके घर में ज़्यादा अच्छा जिसको लगे वो सब वेजिटेबल ज़्यादा लो। ये टोटल है 1500 ग्राम्स, 1.5 किलो। इसमें जाएगा 250 ग्राम गुड़, 3 चम्मच विनेगर, 250 मिलीलीटर ऑफ सरसों का तेल। इसमें जाएगी 3 बड़े चम्मच राई जो मैंने थोड़ी ग्राइंड कर दी है, और नमक, मिर्च, हल्दी स्वाद अनुसार, और ये गरम मसाला हम फ्रेश डालते हैं। इसके लिए मैंने 5-6 लिए हैं ये बड़ी इलायची, और ये कार्डमम है, और इसमें जीरा है और लौंग है 6-7, और इसके अंदर जाएगा हमारा जीरा, लौंग और काली मिर्च, थोड़े से दाने। मेन इसका इंग्रेडिएंट है ये। इसमें हमने लिया है एक 3 इंचेस का बड़ा पीस हमने लिया है जिंजर का, जिसको ग्रेट कर लिया। उसके अंदर करीब 15 जो क्लव्स हैं ऑफ गार्लिक। तो चलिए, इसको हमने भून ड्राई रोस्ट कर लिया, अब इसको हम पीस लेते हैं। ये गुड़ में हमने विनेगर सोक करके रख दिया है, ये राई है, ये जो गरम मसाला, और ये मैंने तेल गरम करा है इसकी महक हटाने के लिए। अब इसके अंदर जाएगा हमारा अदरक और लहसुन जो हमने ग्रेट किया। इसमें इसके साथ तो सब्जी भी मत खाओ आप लोग, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये बनने के 2-3 दिन बाद आप लोग खाना शुरू कर सकते हैं, पर हम लोग तो उसी दिन ही टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ी देर इसको ड्राई रोस्ट, इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इंस्टेंट अचार है, बहुत क्विक रेसिपी। अब इसमें जाएगा गुड़ जो कि हमने सोक किया हुआ था विनेगर में, और सारे मसाले। ये जाएगी हमारी राई कुटी हुई, और ये जाएगा गरम मसाला। इसमें धनिया पाउडर ज्यादा है, अगर आप लोग को कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। मुझे तो धनिया पाउडर काफी पसंद है इसलिए मैंने ज्यादा डाला था। और ये जाएगा नमक, मिर्च और हल्दी। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये जो इसको काट के धो के और थोड़ा पानी पतीले में गर्म करके उसमें नमक और थोड़ी हल्दी डाल के इसको बस डिप करके और तुरंत निकाल देना है, और फिर ओवरनाइट इसको ड्राई करना है, ठीक है? ये मैंने ओवरनाइट ड्राई किया था, और अब इसमें जाती है सारी सब्जियाँ। तो ये देखिए, ये हमारा अचार रेडी हो गया है। अब इसको स्टोर करें कांच के बर्तन में। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर का बटन दबाएं। ओके, बाय फोक्स।